जिस तरीके से इन लोगों ने रिस्पांस दिया है पिक्चर को, जो लोग देख सकते हैं वो तक नहीं समझ पाते इस तरह की पिक्चर, और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस वहाँ से नहीं आता जितना इन लोगों को, जिनको हम सो कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड बोलते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है इस पिक्चर का, वो भी पहली स्क्रीनिंग है। हमने मीडिया को या फिर इंडस्ट्री फ्रेंड्स को अभी तक ये पिक्चर नहीं दिखाई है, एक हफ्ता भी है रिलीज़ को, पहली स्क्रीनिंग हुई यहाँ पे और स्पेशली इन लोगों के लिए। एंड आई थिंक ये वाला रिस्पॉन्स के बाद तो मैं कहती हूँ दिखा दो जिसको दिखानी है पिक्चर। आई थिंक वी हैव अ विनर एट हैंड, आई एम वेरी हैप्पी टू से। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, आई स्वेयर, उल्टा थोड़ा डर लग रहा था। पता नहीं, इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस ऑल्सो कि हाँ, मतलब इस तरह के थ्रिलर हम दिखा रहे हैं। वेरी ओवरवेलमिंग एंड बहुत सारा प्यार, इतना मतलब वार्मथ, ये बहुत बहुत सालों तक याद रहेगा। और प्लीज हमारा डिंडोरा भी पीटेंगे ये लोग सब। अरे पिक्चर में बहुत मजा आया, आप भी देखो, बहुत अच्छा था। आप भी जब भी कोई नई फिल्म आती है तो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, लोग कहते हैं कि तापसी आ रही है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया कंटेंट आएगा। आई होप सो यार। आपकी ब्लर आई है तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, आपका किस तरह का कैरेक्टर्स है? नया का तो मतलब मैं ये लिस्ट बना के आपको दे नहीं सकती कि क्या क्या नया है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मेरी कोशिश रहती है, आपका समय और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती, और इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ कि एक बारी मौका दीजिए मेरी फिल्म को, आपका समय वेस्ट नहीं करूँगी। पैसे तो खैर फिर भी कमाए जा सकते हैं, एक बारी समय चला गया वो वापस नहीं आता, तो समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूँगी। अपने आपके जो 2 घंटे 6 मिनट 8 मिनट कितने 12 मिनट 2 घंटे 12 मिनट की जो पिक्चर है, वो सब इनके क्रेडिट वेडिट मिला के पिक्चर जो है वो 2 घंटे 6-8 मिनट की होगी, वो आपका समय वेस्ट नहीं होगा देखेंगे तो। तापसी जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जब आपको इसका ऑफर आया तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़े तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने तो, विशाल ने बोला कि ये पिक्चर है, मैंने बोला हाँ चलो करते हैं। मैंने उसी मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग में मुझे ऑफर हुआ था, ये ऑफर हुई थी ये स्क्रिप्ट, मैंने उसी मीटिंग में उसी टाइम हाँ बोल के मैं ऑफिस से निकली थी। मेरा यूजली इंस्टेंट हाँ होता है या इंस्टेंट ना होता है, तो ये थ्रिलर स्पेशली मेरा एक ऐसा जॉनर है जिसमें ज़्यादातर जो भी मैंने थ्रिलर्स करी हैं वो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस लोगों को पसंद आती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्केरी थ्रिलर है जो आज तक मैंने करी है, तो आई एम होपिंग कि भी जनता को पसंद आएगी। मुझे भी डर लगा बहुत ज़्यादा। अरे मुझे पता नहीं था, मैं सारे पन्ने उड़ा देता ना, मुझे सिर्फ अपने रोल के बारे में पता था। मैं देख रहा था ऐसे डन साउंड बहुत डरा है। डबल डोर स्पेशलिस्ट तो मैं हूँ, मुझसे बिल्कुल सलाह ले ली इसने, अपना खुद का प्रिपरेशन किया उसने, कुछ भी नहीं पूछा, मैंने बहुत ऐसे फालतू में दिया फ्री एडवाइस, दिया नहीं इसने, लेकिन मैंने फ्री जोक्स बहुत लिए इसके सेट पे, जिससे ऐसे इस तरह की पिक्चर के पीछे आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए, तो उसका जिम्मा जो था वो इन्होंने उठाया था। सवाल पूछ ले सर, मैं बीच में बोला। अरे ये इंडियन सीरियस एक्टर, इनकी ऐसी रियल पर्सनालिटी में मत जाओ, बहुत सीरियस एक्टर है, इनका बहुत सीरियस इंटेंस रोल है पिक्चर के अंदर, इनकी ऐसी पर्सनालिटी में मत जाओ। फिल्मों में हर बार कुछ डिफरेंट होता है, इस बार मैं हूं डिफरेंट। ओह, ये लिस्ट के सबसे नंबर 1 पे ये डिफरेंट चीज है। मेरे पति का रोल क्या है? वो पति, बट आपको कैसा पति है आपको? अब इससे ज्यादा डिटेल मत दे यार। बट आपको मानना पड़ेगा इस फिल्म के लिए तापसी ने जो मेहनत की है वो कमाल की है। जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, हमने सोचा कि हम तापसी के पास जाएंगे, होगी नहीं होगी पता नहीं होता, बट द मोमेंट आई वेंट एंड से यस एंड देन शी वॉज इनटू इट, और जो उन्होंने मेहनत की है आँखों में पट्टी बांध के, जो उन्होंने प्रैक्टिस की, मुझे आज भी याद है शूटिंग के टाइम पे वो पट्टी खोलती नहीं थी, हम जाते तो बोलती कौन आ गया, आवाज़ दो बताती कौन है। तो पूरा पूरा दिन पट्टी बांध के रहना। फोटोज भी लिए लेकिन कुछ, ओ गॉड, वो बहुत ही स्कैम वाली पिक्चर है, मतलब मेरा काम फिल्म के प्रोड्यूसर भी है ना, मैं फोटो डाल दूंगा तो मेरे पैसे। वो ऐसी पिक्चर है, मेरे को शायद इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाए कि ये ऐसी दिखती है, बहुत ही अजीब और गरीब एंगल्स से इसने फोटोग्राफ लिया है, अंधे अंधे, मतलब ज्यादातर तो ये सुंदर ही दिखती है, बड़ी सुंदर, लेकिन मेरी तस्वीरों में नहीं लग रही है। ये फोटोग्राफर खराब है, ये कैमरा खराब है, आईफोन ओके। बॉलीवुड रीमेक पे निर्भर क्यों होता जा रहा है जी? अच्छी स्क्रिप्ट पे निर्भर होना चाहिए, लिखी जाए कहीं पे भी गई हो, फिर भी नए राइटरों की कमी है या कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, रीमेक क्यों लोग ज्यादा बनाते हैं? स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो कहीं से भी उठाई जाएगी, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए ना, मैं अच्छा कंटेंट ऑडियंस को देना चाहती हूँ, स्क्रिप्ट चाहे यहाँ लिखी हो, किसी और प्रदेश में लिखी हो, किसी और देश में लिखी हो, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। चलिए जाते जाते आज दोनों के पास डायमंड है,
इनका तो रियल लग रहा है, मेरा तो ज्यादा ही रियल है। ज्यादा रियल है इसका, ये हमने तोला नहीं अभी भाई, मेरे पास ही चलो इसके पास ही है। थैंक यू अरुण, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।